हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फिफ्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट से एमसीक्यू पार्ट टू, जिसमें हमने चैप्टर्स 4 और 5 को इंक्लूड किया है। तो चलिए इन चैप्टर से एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वर्टिकल स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग, बी पैराग्राफ स्पेसिंग, सी इंडेंटेशन एंड डी टैब्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड इज प्रेजेंट इन टैब। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड इनमें से कौन से ऑप्शंस में होते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट, बी होम, सी व्यू या डी फाइल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी होम। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेट द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल लाइंस इन और पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन। इनमें से कौन से ऑप्शंस का यूज हम ऑल लाइंस के स्टार्टिंग पॉइंट को सेट करने के लिए या पैराग्राफ में मार्जिन के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट इंडेंट, बी राइट इंडेंट, सी फर्स्ट इंडेंट या डी हैंगिंग इंडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेफ्ट इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 विच टैब ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन से टैब से हम डॉक्यूमेंट में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट टैब, बी राइट टैब, सी डैशमल टैब एंड डी बार टैब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बार टैब। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टैब अलाइनमेंट इन वर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन वर्ड में टैब अलाइनमेंट का नहीं है? ऑप्शन ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर, डी टॉप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टॉप। एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। टॉप अलाइनमेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग इन एमएस वर्ड। इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेल चेक, बी थ्रेशर्स, सी हेडर एंड फुटर, डी फाइंड एंड रिप्लेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेल चेक। स्पेल चेक ऑप्शन से हम एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हेडर इज ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द मार्जिन। हेडर सेक्शन डॉक्यूमेंट में एज ए मार्जिन के रूप में कहाँ पर रहता है? ऑप्शन ए लेफ्ट, बी राइट, सी टॉप, डी बॉटम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑप्शन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ साइनोनियम्स इन एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड में साइनोनियम की लिस्ट प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए स्पेल चेकर, बी फाइंड टूल, सी रिप्लेस टूल या डी थ्रेशर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी थ्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 बुलेट एंड नंबरिंग कैन बी क्रिएटेड एट द बिगनिंग ऑफ द बुलेट एंड नंबरिंग स्टार्टिंग से
कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? ऑप्शन ए लिस्ट, बी पैराग्राफ, सी लाइन, डी वर्ड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाइन। क्वेश्चन नंबर 10। विच टूल्स इज अलाउड टू चेंज वर्ड और फ्रेजेस इन एमएस वर्ड? इनमें से कौन से टूल्स हमें एमएस वर्ड में वर्ड को चेंज करना या फ्रेज को चेंज करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए फाइंड, बी रिप्लेस, सी हेडर एंड डी फुटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 11। अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इज हाईलाइटेड विथ अ वेवी लाइन। ग्रामेटिकल मिस्टेक किस कलर के लाइन से हाईलाइटेड रहता है? ऑप्शन ए ग्रीन, बी रेड, सी ब्लू, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 12। फुटर इज प्लेस एट द ऑफ द पेज। फुटर पेज पर रहता है। ऑप्शन ए बॉटम, बी टॉप, सी लेफ्ट, डी राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बॉटम। फुटर पेज पर बॉटम में स्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन और पैराग्राफ फ्रॉम अ मार्जिन। इनमें से किसके द्वारा हम पैराग्राफ या लाइन में डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं या मार्जिन के रूप में पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए इंडेंट, बी टैब, सी बोथ, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडेंट। इंडेंट के द्वारा हम डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइन या पैराग्राफ में मार्जिन से। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।